सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग में आने के लिए। आज हमें एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करनी है आप लोगों के साथ। 14 जनवरी को एक वारदात होता है जिसमें शाम में 6 बजे हमारी कंप्लेनेंट है पद्मा आंगचुक और उनके साथी हैं लोबजांग ताकपा जो जंस्कार के रहने वाले हैं, उनके साथ एक एक्सटॉर्शन और रॉबरी अटेम्प्ट होता है। अटेम्प्ट क्या, रॉबरी हो जाती है। वो दोनों न्यू बस स्टैंड ले में आते हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए एंड फिर जब रात के लिए वो कमरा ढूंढने के लिए इधर उधर देखते हैं कि कहाँ सस्ते में कमरा मिल जाए, तो वहाँ पे एक्यूज्ड रिगजिन दोलजे नाम के एक शख्स उनको मिलते हैं और ये उनको झांसा देते हैं कि हम आपको रूम दे देंगे, कमरा दे देंगे रात के लिए, तो आप हमारे साथ आ जाइए। और ये दोनों कंप्लेनेंट को, हमारे विक्टिम को, वो गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाने के बाद 2 घंटा ले टाउन का इर्द गिर्द घुमाते हैं उनको गाड़ी में और उनको मार पीट के उनसे 16,000 रुपये लेके उनको अगलिंग, एक को अगलिंग में छोड़ देते हैं और दूसरे को स्कालजांगलिंग में छोड़ देते हैं। और जब ये हादसा हो जाता है तो वो फिर 16 तारीख को पुलिस के पास आते हैं रिपोर्ट करने के लिए। तब तक कि उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये कौन है, कौन लोग हैं जो जिन्होंने इनको किडनैप किया, इनको मारा और इनसे पैसे छीन लिए। तो जैसे ही हमें ये इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, पुलिस स्टेशन ले में केस रजिस्टर होता है और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और पुलिस स्टेशन ले ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे 2-3 टीम्स बनाई आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिस जो हुलिया उन्होंने बताया कि ये लोग कौन हो सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारे रिडार पे भी थे। उसके बाद फिर हमने जब टीम्स बनाई तो वी हैड अरेस्टेड ऑल द 3 पर्संस इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइम। सबसे जो मेन अक्यूज्ड है रिगजिन दोलजे, सन ऑफ शेरिंग दोलजे, इनको हमने अरेस्ट किया 18 जनवरी को। उसके बाद इनके 2 साथी और थे, मनीष जो कि नेपाल के हैं बट एट प्रेजेंट यहाँ पे न्यू बस स्टैंड ले में रह रहे हैं उनके साथ, और दूसरे हैं जतिन शर्मा जो कि रिहाड़ी जम्मू के हैं। ये दोनों ने रिगजिन दोलजे के साथ मिलके ये 2 विक्टिम्स को इन्होंने मारा और इनसे पैसे छीने और एक्सटॉर्शन करके इनको फिर छोड़ दिया था। तो 18 जनवरी को हम रिगजिन दोलजे को अरेस्ट कर लेते हैं और जैसे उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो इंटरोगेशन होती है और इंटरोगेशन में वो अपने बाकी 2 साथियों के बारे में भी बताते हैं जो इन्वॉल्व थे। फिर से हम टीम्स बनाते हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस और काफ़ी उनके पीछे हम ह्यूमन सर्वेलेंस भी रख के इन दोनों को भी हम अरेस्ट 19 जनवरी को हम कर लेते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको 21 जनवरी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट कर ली है, हमने विक्टिम्स के साथ इनकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी करा ली सो दैट हम इनका जो फेस है वो आम जनता में भी दिखा सके एंड अवेयर कर सके कि ऐसे लोगों से भी इन फ्यूचर लोग थोड़ा सावधानी से रहें, बच के रहें। जो रिगजिन दोलजे हैं इनके अगेंस्ट ऑलरेडी एक केस पहले भी रजिस्टर हुआ है, FI नंबर 5/2019 अंडर सेक्शन 341 एंड 323, और ये उस केस में भी वांटेड थे। और अभी हम इस केस में इनके अरेस्ट को दिखाने के बाद दूसरे केस में भी इसका चालान हम कर देंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेंगे। तो इसमें काफ़ी लोकल भी है, नॉन लोकल भी है, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ा गेम हो सकता है, इनके थ्रू आपको कहीं और इसमें शामिल होना, क्या आप लोग को मिला है? फिलहाल तो ये तीनों ऑपरेट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े गैंग की इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की बात इस केस में नहीं है। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, जो रिगजिन दोलजे है ही वॉज ऑल्सो इंडिक्टेड इन अदर क्राइम्स बिफोर ऑल्सो, तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी वो यही होता है कि ये देखते हैं कौन भोले भाले किस्म के लोग हैं या लेबर किस्म के लोग हैं जो ज़्यादा बोल नहीं सकते या थोड़े इनोसेंट से हैं, उनको ये पकड़ के डरा के इनसे फिर पैसे लेके ये चले जाते हैं। हमने इसमें रिकवरी भी की है, आउट ऑफ 16,000 वी कुड हैव रिकवर्ड 9,600, बाकी का पैसा इन्होंने कंज्यूम कर लिया है फॉर अल्कोहल एंड अदर थिंग्स। सो
इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही रहा है, और अगर इससे कोई दूसरा गैंग भी रिलेटेड है तो वो भी हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इस पे ज़रूर इस पार्ट को हम देखेंगे। मैम एक ये बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसमें ऐसा होना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह घूम रहे हैं और ड्रग्स का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है और जॉब बहुतों के पास नहीं है, तो बहुत सारे जो है इस तरह के गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो इस छोटी सी कम्युनिटी को और कितने सर्विलेंसेस कितने स्ट्रिक्ट से होना, कितने स्ट्रिक्ट तरीके से और होना चाहिए। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि ये छोटी सी कम्युनिटी और उसमें ये रॉबरी जैसा वारदात होना इज़ अ बिग थिंग, तो इसीलिए हमने भी इसे लाइटली नहीं लिया है। जैसे हमें ये चीज़ पता चली है, इवन इफ हमारे पास कोई क्लू नहीं था, द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन, लेकिन जो भी छोटा मोटा क्लू हमें पता चला उसके बेसिस पे हमने ये केस क्रैक डाउन किया है। सो दैट एक मैसेज है सोसाइटी में कि अगर आप ऐसे केसेस करते हैं या कुछ ऐसा क्राइम करने की आप सोच भी रहे हैं तो आप बच के नहीं रह पाएंगे। आप चाहे एक दिन या दो दिन भाग सकें लेकिन पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, आपका पीछा करना नहीं छोड़ेगी। तो मैसेज हमारा यही क्लियर है कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम पेट्रोलिंग और पुलिस प्रेजेंस तो हम रखते हैं, उसके बावजूद अगर ये चीज़ें होती हैं स्टिल हमारा बहुत सीवियर वे में इसको डेल्ट करने का तरीका है, और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि जो ये क्राइम्स को वारदात देते हैं उनको हम इजीली जाएं। जो सेक्शंस हमने इस केस में लगाए हैं दैट इज़ 392, 394, 364 एंड 506 आईपीसी। सो ये सारे मेजर पीनल सेक्शंस हैं जिनकी सज़ा 10 साल से ऊपर है, और इन्वेस्टिगेशन में भी हमने देखा है कि कहीं कोई चूक ना रहे कि इनको सज़ा ना मिले। So we are working hard that investigation is also of at par so that इनको easily bail या easily ज़मानत इस चीज़ में ना मिले। इस पर हमने भी सोचा है पहले, अभी we will be taking out an employee identification form। पहले क्या हो रहा था कि जो non local labors यहाँ पर आते हैं उनका registration नहीं हो रहा है, ना ही local थाने में बताते थे। हाँ, non local laborer ला रहा है वो चाहे नेपाल का हो या अदर स्टेट्स का हो या अदर डिस्ट्रिक्ट्स का क्यों ना हो, तो उसकी पुलिस में जो कंपलसरी रिकॉर्ड बिल्डिंग है या कंपलसरी जो फॉर्म उसे सबमिट करना है वो नहीं होता था। तो अभी हम ये स्टार्ट करेंगे इस सीज़न से सो दैट जितने भी नॉन लोकल लेबरर्स या एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो या नॉन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हो, वो एक बार पुलिस में आके बिल्कुल नोट करवाएं सो दैट वी नो हु इज़ द कंसर्न पर्सन, हु हाउ मेनी नॉन लोकल्स आर देयर इन द एरिया जो काम कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका फोटोग्राफ, वो बकायदा हमारे पास रहेगा। तो ये हम स्टार्ट अभी इस सीज़न से करेंगे। जिस तरह जो है अभी शाम को यहाँ पे काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारे लोगों को घड़ी नहीं मिलता है तो लीव ले लेते हैं, बिना पूछे वो घड़ी में चार्ज देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा पहले मैसेज यही रहेगा कि इमीडिएट रिस्पांस जो है, जैसे इस केस में भी था, जो विक्टिम था ही वाज अनेबल टू टेल द पुलिस, इवन पुलिस चौक पे उसी टाइम खड़ी भी थी जब वो गाड़ी में था, बट ही वाज नॉट एबल टू कॉल फॉर हेल्प और टेल द पर्सन एट दैट टाइम ओनली। तो लोग अगर लिफ्ट लेके जाते भी हैं तो मेक श्योर कि आप घर कॉल करके किसी एक पर्सन को बोल दें कि आप इस गाड़ी में बैठे हैं, आप निकल गए हैं, सो दैट समबडी नोज़ यू आर समवेयर इन, आप लिफ्ट में हैं। दूसरा, आप गाड़ी का नंबर भी नोट कीजिए जब भी आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, किस टाइप की गाड़ी है, उसके बारे में भी थोड़े अवेयर रहिए, थोड़ा उसके ऊपर भी आप कॉन्शियसली देखिए कि कौन सी गाड़ी है, नंबर क्या है, और आप किसी अपने नियर एंड डियर वंस को पहले ही मैसेज करके बता दें आप इस गाड़ी में आ रहे हैं। एंड डायल 112 इज़ ऑलवेज देयर, आप अपने फ़ोन में स्पीड डायल में 112 को हमेशा टॉप उसमें रखिए, ताकि अगर आपको लगता है कि somebody is trying to take advantage of the loneliness of your helplessness or that because you are a single person, तो 112 को भी आप डायल करके अगर हमें बता देते हैं तो हम लोकेशन भी उससे ट्रैक करके पहुंच सकते हैं आपके पास। इसका हमारे पास है डिटेल।
जो मेन एक्यूज्ड है रिगजिन दोलजे वो 27 इयर्स का है, जो मनीष है नेपाल के ये 26 इयर्स के हैं, जो जतिन शर्मा है जम्मू के ये 22 इयर्स के हैं। तो इसमें सारे एडल्ट हैं, कोई भी इसमें जुवेनाइल नहीं है। और जो आप कह रहे हैं नॉन लोकल है, वो काफ़ी टाइम से यहीं पे काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। जो मनीष है वो ब्लैक स्मिथ का काम करता है मोती महल में। जो जतिन शर्मा है वो उसकी एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है स्कारा में। मैम काफ़ी सुनते हैं कि यहाँ गैंग्स जो है फॉर्म हो जाते हैं, और आपको पता ही होगा जैसे गेंजी गैंग के नाम पर, यहाँ पे बहुत बड़ा गैंग था जो लूटते थे लोगों को, मारते थे। उस तरह की किस तरह की इनिशिएटिव रहेगी पुलिस की ओर से, ताकि इतनी सी छोटी सी सोसाइटी में गैंग्स जो है जिस तरह फॉर्म हो रहा है वो कितना एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है हर तरीके से अगर देखा जाए, तो उस चीज़ पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी? जो गंजी गैंग के बारे में आप बता रहे हैं ये मैंने भी सुना है पहले, बट लास्ट ईयर आई थिंक हमारा कोई केस नहीं है इसमें। लास्ट ईयर 2021 में कोई केस गंजी गैंग के नाम से नहीं है। लेकिन जो ये इंसिडेंट है, ये हम किसी गैंग का तो नाम नहीं दे रहे, बट मोडस ऑपरेंडी इसकी वैसी ही है कि डरा के एक्सटॉल्शन करके फिर लोगों को पैसे लेके छोड़ देने वाला। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, वी आर एक्टिंग वेरी स्ट्रिक्टली ऑन दिस। हम इस कोई भी केस को लाइटली नहीं लेंगे, या हम ये सोचें कि लैक ऑफ एविडेंस के कारण हम इस केस को नहीं वो कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द पुलिस साइड। अगर कोई भी इस टाइप का क्राइम करने में सोचता है कि एनोनिमिटी रहेगी और पता नहीं चलेगा और या पुलिस हमारे पास नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल ऐसा ना सोचे। पुलिस इस पर बहुत ही जल्दी एक्शन लेके, और ये जो भी क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं इनको हम ज़रूर पकड़ेंगे। सो द डिटरेंस फ्रॉम आवर साइड इज़ दैट यू कैनॉट हाइड, यू कैनॉट टेक द एडवांटेज ऑफ एनोनिमिटी फॉर लॉन्ग। और जो एक बार इस क्राइम में वो अंदर होगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू कम आउट, बिकॉज द पीनल सेक्शंस वॉट वी विल बी इन्वोकिंग विल बी वेरी सीवियर। सो मेरे ख्याल से ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और इसीलिए हमने इस केस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ताकि वो तीनों सस्पेक्ट को, तीनों एक्यूज को भी हम आपको दिखा पाएं, और इनको लोगों के बीच में भी एक शेमफुलनेस हो कि एवरीबडी इज़ नाउ अवेयर हु दे आर एंड व्हाट दे कैन डू। सो दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज देयर फ्रॉम आवर साइड। मैम तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप लोगों ने पकड़ा उनका गेंग से कुछ लेने देने नहीं? अभी इन्वेस्टिगेशन में तो हमें ऐसा कुछ नहीं आया है कि ये कोई गंजी गैंग से ताल्लुक रख रहे हैं या क्या है। गंजी गैंग का मोडस ऑपरेंडी शायद इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन इस गैंग से अभी हमें नहीं मिला है।